बेलन ही आएगा उड़ता हुआ सामने से, रिस्क तो उसी बात का है। अच्छा सुनो, पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका क्या है कि देखो, इंसान एक्सेलेंट लाइफ में तभी बनता है जब उसका दृष्टिकोण क्लियर हो, मुझे क्या करना है, किस पथ पे चलना है। अब रास्ता ही नहीं पता आपको, आप रिवीजन करने बैठे हो, और ये होता है बेटा, ये प्रैक्टिकली होता है लाइफ में, जिस लाइफ में, जिस एज में अभी आप हो। उल्टा जो थोड़े से नवंबर अटेम्प्ट वाले बैठे, उनकी आंखें खुल जाएंगी, सुन लो ये बात, शायद पढ़ने का अगले 6 महीने का तरीका पता लग जाए कि पढ़ने के लिए सीधा चैप्टर नहीं उठाया जाता, चैप्टर सीधा तब उठाया जाता है जब वो क्लास में पैरेलली चल रहा हो। जैसे एक चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, मानो प्रोसेस की क्लास चल रही है, घर जाके सीधा सीधा उसके क्वेश्चन उठाए और होमवर्क किया, वो ठीक है क्योंकि अभी सुनकर आए हो कंसेप्ट, पर 2 महीने बाद आप बिलीव करो कि आप उस चैप्टर को सीधा उठा के क्वेश्चन कर लोगे तो कभी नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेशन कॉज हो जाएगी, बुक बंद हो जाएगी, बुक आपसे दूर हो जाएगी, वो सब्जेक्ट दूर होने लगेगा, है ना। पढ़ने का तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, पूरे क्वेश्चन रीड करो। जिस बच्चे ने पेशेंस डेवलप कर लिया थे, उसने जिंदगी में सब कुछ डेवलप कर लिया। धैर्य से ही पढ़ाई होती है, धैर्य। पहले हमने क्वेश्चन देखे, आंसर देखा, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, सर इसमें तो 3 घंटे लग गए, तो टाइम वेस्ट हो गया। बेटा 3 घंटे में तूने अपने माइंड में सारे कंसेप्ट रिफ्रेश कर लिए, और इन 3 घंटे में पढ़ते हुए अगर 40 क्वेश्चन है तो उनमें से 5 क्वेश्चन तूने टिक भी कर लिए, कौन से सबसे टफ लगे, फिर एक चैप्टर और ऐसे ही देख, फिर एक चैप्टर और ऐसे ही देख। जब 3 चैप्टर देख लिए तो सोने से पहले इन 3 चैप्टरों में जो 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे ना टफेस्ट, वो अपने हाथ से करके देख ले, जिंदगी बन गई, ये 3 चैप्टर कभी नहीं भूलेगा। अगर हर चैप्टर रीड करने में 3 से 4 घंटे लगे तो 12 घंटे में चैप्टर पढ़े, 15 क्वेश्चन करने में अगर 3 घंटे लगते हैं तो ऑलमोस्ट 15 घंटे, मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, 3 नहीं पढ़ सकते, 2 पढ़ो। लेकिन पढ़ने का पैटर्न यही है, मैंने शायद पहले भी कभी बैच में एग्जाम्पल दिया होगा, सचिन तेंदुलकर का शायद, ये इंसान अब तो खैर लेजेंड हो गए, वो रिटायर ही हो गए, पर ये जितने साल क्रिकेट खेला उतने साल शायद से हमेशा रैंकिंग में नंबर 1 रहा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, ब्लेस था, ये था, वो था, 5 फुट 2 इंच का आदमी कहां से ब्लेस था, पांच इंच, चलो बढ़ा लो 3 इंच बेटे, विद शूज विदाउट शूज, चलो फिर भी मुझसे तो छोटा ही था ना हाँ जी, मेरी हाइट 6 फीट है बेटे, हाँ जी। अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसने क्या किया जिंदगी भर, इस इंसान ने वो काम किया जो जिसकी वजह से वो पहला जब बॉल खेलता था तो पहली बॉल भी कॉन्फिडेंस से खेलता था। अगर आप गूगल करो, इसकी लाइफ हिस्ट्री रिकॉर्ड करो, तो आज तक पूरी दुनिया में किसी भी क्रिकेटर की नेट प्रैक्टिस का टाइम उतना नहीं है जितनी नेट प्रैक्टिस सचिन तेंदुलकर ने की है। क्रिकेट बहुत साल खेला, 27 ईयर्स, कितना, 16 साल की उम्र से खेला, 37 में रिटायर हुआ, कितना हो गया, 40 में रिटायर हुआ, तो कितने साल हो गए फिर, 24 साल क्रिकेट खेली, 24। अच्छा एक बंदे ने 20 साल क्रिकेट खेल ली, 20 साल के बाद अगले दिन सुबह मैच है, आप जैसा बंदा होगा पहले सुबह उठ के प्रैक्टिस करेगा, तो नहीं कहेगा क्या 20 साल से खेल रहा हूं, मुझे सिखाएगा प्रैक्टिस, यही, दिस इज व्हाट मेड हिम ग्रेट, कि जिस दिन उसका मैच होता था उस दिन नेट्स पे ही वॉज द फर्स्ट मैन, बॉलर आने से पहले वो तैयार होकर खड़ा होता था, गन मशीन होती है जिससे बॉलिंग होती है उस पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स खेलता था हमेशा। इसका मतलब है कि अगर सुबह 9:30 बजे मैच स्टार्ट होना है तो सुबह 7 बजे नेट पे पहुंच जाता था, और हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स सुबह ही 100 बॉलें खेल के जाता था। तो जब कोई आम क्रिकेटर अगर
बैटिंग के लिए उतरता है, तो जब सुबह पहली बॉल खेल रहा होता था, तो ये सुबह ही जब पहली बॉल बॉलर की खेलेगा तो वो 101वीं बॉल होगी, तो क्यों नहीं दिखेगी बॉल और क्यों नहीं चलेगा बैट? बेटा परफेक्शन इन लाइफ कम्स विद एक्सपीरियंस, विद दैट ग्रिट, विद दैट हार्डवर्क, वो बूंद बूंद। अब लोग हंसते हैं, यंगस्टर्स उस पर हंसते थे उस टाइम पे भी, पर किसने कितने पीढ़ियों के साथ खेला वो पता है? 3 generations के साथ क्रिकेट खेला, 3 generations। उसके साथ लोग आए रिटायर हो गए, आए रिटायर हो गए, आए रिटायर हो गए, 3rd generation तक क्रिकेट खेली। दिस इज व्हाट मेड हिम एक्सीलेंट बेटा, कि उसे अपने कम से कम उसे अपना काम करने का तरीका पता था। और एक बात, आपने एक चैप्टर एक बार भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होता और आप कहते हो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, वो स्टडी पैटर्न ही गलत है बेटा। किस पैटर्न पे पढ़ रहा है बता, किस पैटर्न पे पढ़ रहा है? गलत है ना बेटा, वो चीज गलत है। ऐसे एक दिन बातचीत चल रही थी कहीं, तो बच्चा बोलता है कि सर आप पढ़ाने से पहले रिवाइज करके आते हो, लो कर लो बात। तो बेटा मैं आज भी पढ़ाने से पहले, पढ़कर आने की तो जरूरत नहीं पड़ती, बट डेफिनेटली इतने सारे इतनी जगह पे बैचेस पढ़ाते हैं कि वो चीज एक दिन में 2 बार रोज रिवाइज खुद ही होती है, 2 बार 3 बार। आप अगर 6 महीने में 1 बार पढ़ते हो, तो मैं 6 महीने में 8 बार कोर्स पढ़ता हूं, और मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूं, आप 4 पढ़ते हो। और उसके बाद भी अगर मार्केट में कोई नई बुक आती है, उसके बाद भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई नया एग्जाम होता है, तो आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड। अगर लता मंगेशकर आज भी ये कहती है कि मुझे गाना गाना सीखना है, तो इसीलिए वो लता मंगेशकर है। अगर उनका रीसेंट इंटरव्यू देखते हो, तो शी सेज कि मुझे अभी प्रैक्टिस और रिहाज की जरूरत है। ये लोग ऐसे ही नहीं पहुंचे बेटे वहां, है ना, मेहनत किया उन्होंने और उनके पास वो रास्ता था। अब अगर मैं बच्चे को ये कहता हूं कि बेटा पहले रिवाइज कर फिर क्वेश्चन कर, उससे बहुत से बच्चे आके पूछते हैं कि सर अगर 10 क्वेश्चन करूंगा तो क्या चल जाएगा मेरा चैप्टर, हो जाएगा? 10 से नहीं होगा। मैं एक तरफ कहता हूं 100% कंसेप्ट कवरेज, और एक तरफ बोलता हूं करो 5 क्वेश्चन, तो कैसे संभव है? वो तब संभव है जब पढ़ो पूरा 100% और हाथ से 5 क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है हाथ को तेज चलाने की। हाथ से हर चैप्टर के सिर्फ 5 क्वेश्चन करो, 5 करो 7 करो, डिपेंड करता है। आई से 10% लो, जितने क्वेश्चन है चैप्टर में उसके 10% क्वेश्चन करो, लेकिन पढ़ो पूरे जो पढ़ाया गया। मैं बच्चों को देखता हूं गलतियां कहां है, गलती यहां है। जब पढ़ाया गया, कोचिंग गए, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सब सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं। जब उन टीचरों ने पढ़ाया, उसकी हिंदी इंग्लिश जो कॉपी में बुक में लिखी उसे वहीं पढ़े रहने देते हैं, फिर खुद उठाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा पूछते हैं मुझसे आके, और अब मैं उसको चांटा नहीं लगा सकता क्योंकि बड़ी उम्र के बच्चे हैं, पर कहीं ना कहीं मन ही मन चांटा लगा भी देता हूं। मन में ही बेटा सोच लेता हूं लग गया चांटा, वो चांटा फिर मैंने रिपोर्ट कार्ड पे आता है। वो पूछते हैं कि आके सर मैं फलाना फलाना इन टीचर से पढ़ा था, ये सब्जेक्ट टैक्स इधर से पढ़ा था या लॉ इधर से पढ़ा था, अब मेरे दोस्त ने बताया कि ये वाले एक्स टीचर की बुक बहुत अच्छी है, मैं वाई से पढ़ा था, तो मैं एक्स वाली बुक लेके पढ़ लूं। अब बेटा अगर बुक नहीं पास कराना होता ना, तो पहले भी कोचिंग ना जाता। एक बुक पढ़ो वो पूरी पढ़ो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसे पूरा करो। ऐसे तो नहीं होता ना कि हमने कोई मुराद मांगी मंदिर जाके और मुराद पूरी नहीं हुई, तो हम कहते हैं भगवान चेंज करते हैं, भगवान चेंज करते हैं, इस बार ही कुछ और कराते हैं। नहीं होता ना ऐसा,
बेटा इट्स अ फेथ गेम। हाँ मैं बट ये भी मानता हूँ कि जो सामने टीचर हो वो भी वैसा ही हो जिसपे आप फेथ कर सकते हो, क्योंकि कहीं ऐसे भी फर्जी भी हैं, तो वो भी ना हो। मतलब देखभाल के बुक लो, देखभाल के सिलेक्शन करो, पर जिस चीज को फॉलो कर रहे हो उसे पूरा करो। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स ने जो जो अपनी बुक्स कंपाइल की है बहुत सोच समझ के की है, तो जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसे पूरा करो, बस ये ध्यान रखना। रिवीजन का पैटर्न समझ आया मैंने क्या कहा? और बहुत सारी और बातें बेटा, जैसे एग्जाम में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, क्योंकि आगे मेरी भी क्लास है, चिंता ना करो, कुछ बच्चों को जल्दी हो रही है ऑलरेडी। अब अगर बात करें कि पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, देख बेटा जब भी रिजल्ट आता है उसके 9 महीने बाद पेपर होते हैं, 9 से 10 महीने का टाइम मिलता है बच्चे को। अब बच्चे ने बहुत मेहनत करी है 9-10 महीने में, कोचिंगों में घूमा है, फिर फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया है, फिर फोन पे बात की है, फिर टाइम वेस्ट किया, फिर घूमा है, फिर एक एक क्वेश्चन के लिए दूसरे दोस्त को फोन किया, जैसे यही वाला क्वेश्चन कल एग्जाम में आ जाएगा, बहुत मूर्खताएं की है ना बच्चे ने, वो सब नहीं चलती बेटा जिंदगी में। पहली बात, अब जो अगला 1 महीने का समय है आपका, वो सिर्फ अपने आप को दे दो, वो किसी दोस्त से शेयर मत करो। जो भी दोस्त हो, जितना मर्जी करीबी दोस्त हो, ये 1 महीना सिर्फ अपने आप को दो, जो 30-35 दिन जो भी एग्जाम के आपके बचे हैं ये अपने आप को दो। एग्जाम की ड्यूरेशन में जो टाइम बचता है हमारे पास, ये भी सिर्फ अपने आप को दो। बहुत सपने संजो के भेजा है बेटा माँ बाप ने इधर पढ़ने के लिए तुम्हें, सीए सीएमए सीएस, ये बहुत बहुत अमीरों के बच्चे नहीं करते, बहुत ज्यादा अमीरों के बच्चे नहीं, उतनी मेहनत नहीं कर सकते ना वो। जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। बहुत सपने संजोए होते हैं बेटे माँ बाप ने कि हमारा लड़का सीए कर रहा है, तो ये 45 घंटे भी जो बीच में मिलते हैं आपको, ये किसी और को मत दो। इसका एक भी मिनट अगर आप किसी और को देते हो तो पाप है। बहुत बार जिंदगी में हम गलतियां करते हैं जो हमें पता है गलती है, लेकिन हम फिर भी करते हैं जान के। शायद इधर कुछ ऐसे भी दोस्त बैठे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे पहले कभी, वो मन ही मन इस बात को टटोल लो, क्या ऐसा नहीं होता कि अगर 2 बजे से 5 बजे तक का एग्जाम है, इस बात को सिर्फ मन ही मन अपने आप में आंसर दे देना, मेरे को देने की जरूरत नहीं है आंसर, कि 5 बजे जब एग्जाम खत्म हुआ अगर आप डिटर्मिंड होते तो शायद आप 6 बजे तक घर पहुंच जाते, और अगर आप सच्ची में डिटर्मिंड होते तो आप 6 बजे पढ़ने भी बैठ जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं बेटा। जनरली बच्चा घर ही 7 बजे के आसपास पहुंचता है, 1 घंटा तो यहीं खड़ा रहता है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। तूने क्या लिखा? मैंने ये लिखा, इसका ये आंसर है, नहीं इसका ये आंसर है। 1 घंटा उस पेपर को डिस्कस करता है जो हो चुका है बेटे, उसे पेपर को डिस्कस करता है 1 घंटा, और इस 1 घंटे में यह भी डिसाइड कर लेता है कि अगले पेपर में मैं अब जरूर फेल होऊंगा, कि इसमें तो मैं हुआ ही हुआ, अब इसमें भी होऊंगा, क्योंकि उस 5 बजे से एग्जैक्ट 45 घंटे बाद मेरा दूसरा एग्जाम है, और उस 45 घंटे में एक बार एग्जामिनेशन सेंटर से घर जाना और एक बार घर से एग्जामिनेशन सेंटर आना इन्वॉल्व्ड है। अगर मैं उन 45 घंटे की रिपोर्ट बनाऊं तो उस 45 घंटे में 2 आवर्स ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है मिनिमम, 2 दिन की नींद इन्वॉल्व्ड है। क्लॉकवाइज अगर आप देखते हो तो 2 दिन होते हैं, अगर 1 तारीख को पेपर है तो फिर 3 तारीख को होगा, पेपर टू पेपर का गैप खाली 45 घंटे का, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज 44.5 आवर्स का गैप होता है, क्योंकि अगले एग्जाम में 1:30 बजे अंदर पहुंचना पड़ता है आपको, 2 बजे के एग्जाम में 1:30 बजे एग्जामिनेशन हॉल में जाना पड़ता है। अब देखो बेटा ये बातें बारीकियां जिन पे बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ाई करता है झोला लेके इधर उधर भागता रहता है। कोचिंग, तुम 1 लाख रुपए की भी कोचिंग ले लो पास कौन करा देगा?
पास तो बेटे तेरा एफर्ट खुद कराएगा ना, वरना कोई नहीं कराएगा। 2 hours ऑफ ट्रैवलिंग, अगर डेली की नींद 10 घंटे भी मानू, अगर 5-5 घंटे 2 दिन की मानू तो 10 आवर्स ऑफ स्लीप, 6 बार का खाना इन्वॉल्व है, अगर एक दिन में 3 बार खाते हो, एग्जाम वाले दिन में से ज्यादा खाता है बच्चा, तब 4 बार 5 बार। मम्मी भी बड़ी सेवा करती है ना, फ्रूट काट काट के लाती रहती है डिस्टर्ब करने के लिए। अगर खाने पीने के भी आप 4 hours तो लगा ही लो, चलो 2 दिन के टाइम है बेटा, 2 दिन में 4 घंटे, तुम तो 1 रोटी खाते हो 4 गाने देख के जाता है टीवी के आगे बैठ के, कह रहा 4 घंटे कहाँ लगेंगे। एग्जाम वाले डे में काम भी तो ऐसा करते हो, रोटी की प्लेट लेके कमरे से बाहर आ जाते हो, टीवी वाले रूम में बैठ के खाना खाना है, क्योंकि इसी बहाने चलो कुछ टीवी तो देख लेंगे। बेटा मूर्खता का जो हर रूप हो सकता है उसको पूर्णा उतरते हो ना आप, छोड़ते थोड़ा ना किस तरह। अगर 4 hours इसके इन्वॉल्व है, बताओ कितना टाइम बचता है, 29 hours। बेटा 29 hours में अगर आप किसी रॉबर्ट को भी बुला लो, क्या वो 29 hours पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कंटिन्यूस आप पढ़ सकते हो 10 घंटे 15 घंटे? नहीं पढ़ सकते। और अगर चलो पढ़ भी लो, मानो लेट अस सपोज, तो 15 hours मिले पूरी कॉस्टिंग को, 14 hours मिले पूरी FM को, कैसे करेगा? अब वो बच्चा जैसे हाथ से क्वेश्चन करने की आदत है, तो कहता नहीं सर मजा नहीं आता जब तक खुद हाथ से ना करूं। करिए जरा 15 घंटे में पूरी कॉस्टिंग, 550 पेज की बुक है सर, 550 पेज है, कितने 520 पेज है नए एडिशन में, कर जरा 520 पेज की बुक, और इसमें FM भी कर ले साथ साथ 14 घंटे में, कर पूरी बुक। पढ़ने का तरीका है, एक पैटर्न है। बड़े मैच्योर बच्चे हो, कोई बच्चे एकदम नर्सरी प्रेप के बच्चे थोड़ी ना हो, ये सब बातें दिमाग में इंग्रेडिएंट होनी चाहिए, खुद ही पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स होनी चाहिए। एक पैटर्न होता है पढ़ाई करने का, एक जज्बा होता है, मुझे पता है कि मेरे को एग्जाम के बीच में सिर्फ 30 घंटे का गैप मिलेगा एट मैक्स। वैसे मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 25 घंटे से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। तुम तो उस टाइम पे पेपर दे रहे हो जब छुट्टी मिलती है, हमने तब पेपर दिए 8-8, 6-6 पेपर इकट्ठे जब बिना छुट्टी के पेपर होते थे। आज अगर 5 बजे पेपर खत्म हुआ है तो कल दोबारा 2 बजे पेपर है, और उसी के बीच में कॉस्टिंग FM पूरी पढ़नी। तुम्हें तो यहां 29 घंटे मिल रहे हैं तब तुम चिक चिक कर रहे हो, हमारा तो पेपर टू पेपर के बीच में गैप ही सिर्फ 21 घंटे का होता था, और आप पुराने क्वेश्चन निकाल के देखो किस लेवल का पेपर आता था। जितना कंफर्ट मिल रहा है उसे और एंजॉय कर रहे हो ना। अप्रोच ही गलत है, रास्ता ही गलत है, मतलब रोड कहीं और जा रही है, कच्चे में उतार ली गाड़ी कि अब देखेंगे कहीं और से रोड मिलती है। तो बी फोकस्ड, पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। और अगर अलग अलग एग्जाम्स के बारे में देखो, मैं फिर आपको एक बात बोलूं कि I might not be the best guy to be consulted about other subjects, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि शायद से मैं सबसे सही इंसान नहीं हूंगा हर सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मेरा कोर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन खाली कॉस्टिंग FM और फाइनल की कॉस्टिंग है, पर जितना मुझे समझ आता है मैं शेयर करता हूं आपसे। आप देखो, आपको अगर उसमें से कुछ फायदा मिलता है तो फॉलो करो, नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं। पहला पेपर हमारा अकाउंट्स का होता है, अकाउंट्स के लिए मेरे हिसाब से 4 दिन पहले से सिर्फ अकाउंट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स इजी है, और कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें 70 आ जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर 70 आते तो पूरे ग्रुप का बेड़ा पार हो जाता है। बाकियों में गिरे से गिरे भी बेटे 50-50 के आसपास तो लाओगे, 2-4 ऊपर 2-4 नीचे, और अकाउंट्स ईजी भी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के मुकाबले अगर बताऊं तो मैं मानता हूं कि अकाउंट्स ईजी है, छोटा है, हल्का है, और पहला पेपर है, पहला पेपर होना चाहिए कॉस्टिंग FM। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादती कर रखी है पेपर के साथ। इसके बाद आपका पेपर होगा लॉ का, राइट?
देखिए जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ मेरे मन की इच्छा है, अगर आप ऐसा करें या ना करें वो आपके ऊपर है। मैं ये मानता हूं कि 5 बजे अगर पेपर खत्म हुआ, जितना घर सेंटर से जितना पास है, दोस्ती यारी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, अपना फोन भी बंद रखना आखिरी 15 दिन। ये दोस्त ही फेल कराते हैं, फोन कर करके पूछेंगे तूने कितना पढ़ लिया, अरे भाई मेरी पढ़ाई से तुझे क्या लेन देना। है ना, तो वो बीमारियां मत पालो, इन 15-20 दिन अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए जियो। जैसे अकाउंट्स का पेपर देकर आते हो अगर 5 बजे, मान लेते हैं 6 बजे अगर आप घर आ गए, ये फिर से मैं बोलूंगा ये मेरा मानना है, 6 बजे के बाद कुछ खा पी के एनर्जेटिक ग्लूकोज वगैरह पियो एकदम से, अपना पैटर्न ऐसा बनाओ जो जिंदगी दुनिया से अलग हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं जब भी पेपर दे के आता था मैं उस दिन सबसे ज्यादा पढ़ता था, और मेरे सारे फ्रेंड्स अगर आराम करते थे 2-2, 3-3 घंटे, मैं उन 2-3 घंटे में कोई एक मेजर पोर्शन कोर्स का फिनिश कर देता था। अब आप फॉलो अगर करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो आपकी चॉइस है। मैं ये मानता हूं अगर 6 बजे आप पढ़ने बैठ सकते हो, 6-6:30 बजे, तो रात को भले ही 11 बजे तक पढ़ो, भले ही 12 बजे तक पढ़ो, एथिक्स और कम्युनिकेशन खत्म करके सो। इससे एक सुकून मिलता है कि मेरे 40 मार्क्स प्रिपेयर्ड है। सो सुबह उठो, जब भी उठोगे, जो भी अर्लीस्ट इट इज पॉसिबल फॉर यू 6 AM या 7 AM, अगले दिन पूरी की पूरी लॉ पढ़ो, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जाम 2 बजे है ना आपका, तो उस दिन सुबह उठ के दोबारा से एथिक्स और कम्युनिकेशन पढ़ो। देखो जैसे उस दिन सर भी आए तो बताते हैं कि एथिक्स और कम्युनिकेशन पास कराता है हमेशा, बेटा जो अपनी जादू की छड़ी होती है ना उसे सबसे नजदीक रखते हैं। अब जो चीज मुझे पास करा सकती है, मुझे पता है एथिक्स कम्युनिकेशन अगर 40 मार्क का बढ़िया क्वेश्चन लिखाऊंगा तो मरे से मरे 30 मार्क आएंगे ही आएंगे, कि नहीं आएंगे ना 30 मार्क उसमें। और अगर उस चीज को मैं 2 बार पढ़ के गया हूंगा तो मेरे 30 के शायद 32 आ जाएंगे, 35 भी आ जाएंगे। और ये लॉ इतनी वास्ट है, जितनी मर्जी याद कर ले किसे होती है, अपने टाइम पे हमें भी नहीं हुई होगी। तो एथिक्स और कम्युनिकेशन को दोबारा पढ़ो और फिर पेपर देने जाओ, देखो क्या मजे से पेपर जाता है। क्योंकि बेटा अगर 30 मार्क एथिक्स और कॉम में आ गए तो लड़ाई सिर्फ रही अगले 20 मार्क की गई ना, अब 60 में से 20 तो ले ही आओगे बेटा। लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है, कभी भीड़ में घुसते हैं ना, अगर आपकी लड़ाई हो गई वहां 15-20 लड़कों ने घेर लिया आप, तो लड़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो सबसे कमजोर दिखे उसे सबसे पहले चांटा लगाओ, और इतना जोरदार लगाओ कि 2 बार पलट के घूमे। इससे बाकियों का मनोबल टूट जाता है कि ये तो ऐसा चांटा मारता है कि 2 बार घुमा दे बंदा, उसे ये नहीं पता ये हमारा बेस्ट चांटा था और ये तुम्हारा वर्स्ट बंदा था। कला है ना बेटा, हमेशा 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 वार सबसे कमजोर पे किया जाता है। तो जो पेपर का सबसे कमजोर पोर्शन है उसे लपेट दो। अब लॉ के बाद आ गया जी श्री राम आ गए, है ना, इसके लिए यहां लाना पड़ेगा कॉस्ट एंड एफएम। अरे चुप कर, ये मेरी शीट है, ये मेरा पेन है, देखो जरा। अब 5 बजे फिर से जैसे ही आए, थकान नहीं होनी चाहिए बेटा, एक नया जुनून। एग्जाम देकर आओ ना, वैसे एक बात हो, ये एग्जाम ना उतार चढ़ाव की तरह होते हैं। बच्चा पेपर देकर आता है, कहता है यार इसमें फेल हो जाऊंगा, आगे क्या करूं, पेपर दे के भी क्या करूं, और पता चलता है जिसमें बोल रहा था फेल हो गया उसमें आ गए 50, और जिसके उसके रोने में जिस पेपर की पढ़ाई नहीं करी थी उसमें हो गया फेल। ये पेपर हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं बेटा, गेम तब ओवर होती है जब गेम ओवर लिखा हुआ आ जाए, उससे पहले कभी गेम ओवर नहीं होती। मैच की आखिरी बॉल तक होप रहती है, हम इंडियन है हमें तो रहती है, पता नहीं अगर 10 रन भी बनने तब भी होप रहती है कि कुछ हो जाएगा, कि कुछ नो बॉल ही आ जाएगी, पहले छक्का पड़ जाएगा फिर दोबारा एक और आ जाएगी।
जब मैच में इतनी होप तो एग्जाम में कैसे खो सकता बेटा? ये उतार चढ़ाव है, इसमें होगा ऐसा। हो सकता है अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो, सकता है अकाउंट्स का पेपर बुरा हो। उस डिप्रेशन में बच्चा लॉ नहीं पढ़ता, बेवकूफी है। घर आते ही सबसे पहले अपनी उन सभी बुक्स को अलग कमरे में पहुंचा दो, नेगेटिविटी से दूर रहो जिंदगी में, पॉजिटिवली चार बंडल बांध दो, अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्ट ऑफ इनकम टैक्स का, सबके बंडल बंधे दो। जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सिर्फ उस बंडल को उठाओ, बाकी सब बोरिया बाहर। क्यों टेंशन लो यार बिना मतलब के? पालते हो आप लोग टेंशन, एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए दूसरे की टेंशन, दूसरे को पढ़ते हुए तीसरे की टेंशन। इतनी टेंशन तो तुम्हारी मम्मी भी नहीं लेती। लंच बनाते हुए शाम के बारे में नहीं सोचते, दोपहर को सोते हैं उसके बाद उठने के बाद ही सोचते हैं अब क्या बनाना है शाम का। उनसे ही कुछ सीख लो। एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए दूसरा थोड़ी ना उठा लेते हैं बेटा साथ साथ, ना, गलत अप्रोच। अब अगर लॉ का पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे कॉस्ट एफएम का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा एक जज्बे के साथ पेपर दो कि भगवान मेरे साथ है, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जिन पे भी बिलीव है, जिन पे भी फेथ है, जीसस क्राइस्ट, वो मेरे साथ हैं। अगर मैं सही चल रहा हूँ तो मुझे पास कराएंगे, अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो करा देंगे, नहीं करते होंगे तो फिर एक और मौका देंगे कि बेहतर पढ़ाई करके जाओ। भगवान के आगे हाथ जोड़ के ये थोड़ी ना कह सकते हो मुझे पास कराओ, ये जरूर कह सकते हो कि मुझे शक्ति दो कि मैं पास हूं। ज्यादा फिलोसफिकल हो गए, चलो वापस आ जाओ यार। अब लॉ का पेपर जैसा मर्जी जाए, अकाउंट्स का पेपर जैसा मर्जी जाए, लॉ पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए एक भी मिनट के लिए। और लॉ का पेपर जैसा मर्जी जाए, कॉस्ट एफएम पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए एक भी मिनट के लिए। बच्चे क्वेश्चन पेपर संभाल के रखते हैं, यानी बेटा तू पहले ही तैयार है कि फेल होगा और अगली बार इसे रिवाइज करके जाएगा। पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही फाड़ दिया करो, उड़ा दो हवा में, भले ही पेपर जैसा मर्जी हो, और अपने जो सबसे कमजोर दोस्त हो उस पर उड़ाया करो। उसे लगे पता नहीं इसका कितना अच्छा हो गया यार, वो डिप्रेशन से ही मर जाए बेचारा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, भले ही आपका भी 40 के लायक का ना हो तब भी, क्योंकि बेटा किसी को नहीं पता होता। ऐसे ऐसे बच्चों के पेपर देखे मैंने कि बच्चा जब आके फुल फ्लेजेड रो रहा होता है, फुल फ्लेजेड कि सर मैं पास नहीं हो सकता किसी भी हालत में, वो फिर भी 55-55, 60-60 मार्क्स ले आता है। वो रीजन होता है, जब पेपर बहुत गंदा बना होता है तो चेकिंग लीनियंट होती है, और जब पेपर आपका गंदा हुआ होता है तो सबका गंदा हुआ होता है, तो जो अंधों में काणा राजा होता है वो पास हो जाता है। अब सबका ही गंदा हुआ होगा तो क्या कर लेंगे बेटा, फिर किसी को तो पास करेंगे ही ना। तो जब इसके लिए आओगे बेटा कॉस्ट एफएम के लिए, तो तरीका है पढ़ने का कि पहले 5 बजे के बाद जैसे 6 बजे घर आए, पहले उठाओ थ्योरी पढ़ो। आज मैंने बहुत बड़ा एक लेक्चर भी दिया है थ्योरी पे, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 मार्क्स है ना, पहले 32 मार्क्स थ्योरी के कवर करो। वो तभी हो सकते हैं जब अभी पढ़ के रखी होगी। 5 घंटे में पूरी थ्योरी पढ़ो और एफएम का कोई एक बड़ा चैप्टर, जैसे आई बिलीव कैपिटल बजटिंग, मैं सोऊंगा नहीं जब तक कैपिटल बजटिंग ना खत्म हो। वैसे भी अगर नहीं हुआ तो वैसे ही नींद आएगी। फिर घर सुबह उठने के बाद पहले एफएम फिनिश करो, टारगेट होना चाहिए कि 1 बजे तक दोपहर के पूरी एफएम फिनिश हो जाए, कुछ भी हो जाए 1 बजे तक पूरी एफएम फिनिश हो जाए। इतनी बार पढ़ के रखो पहले, उस लेवल तक ले आओ अपने आप को कि जहां पेपर पलटने से पहले अगला क्वेश्चन भी पता हो क्या आता है। आते हैं बेटे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं बच्चे, जिन्होंने मेहनत की थी वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद कॉस्टिंग पढ़ो रात तक, अगले दिन सुबह उठकर पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, जो भी बचा है एफएम का पोर्शन कुछ रिवाइज कर लो, और दोबारा एक बारी पूरी थ्योरी पढ़ो। यानी कॉस्ट एफएम के पेपर में मैं अपनी जादू की छड़ी बोलता हूँ थ्योरी को,
क्योंकि अगर बच्चे की 32 मार्क की थ्योरी में गिरे से गिरे भी अगर 16-17 मार्क आ गए, 20 भी आ गए, बेटे 20 मार्क जहां कॉस्ट इफेक्टिव पेपर में पक्के हो गए ना, तो बाकी के 68 मार्क में से इतना बुरा नहीं करके आ सकता बच्चा कि आधे भी ना लाए। 34 तो तब भी लाएगा, है ना, तो पेपर तो निकल ही जाएगा बेटे। और ऐसे ही जब कॉस्ट एफएम का पेपर दे के आओगे तो 6 बजे के बाद सबसे पहले एसटी वैट पढ़ना, सर्विस टैक्स एंड वैट, ये इसकी जादू की छड़ी है। और फिर अगले दिन सुबह उठ के पूरा टैक्स, फिर जिस दिन पेपर देना है उस दिन दोबारा उठ के एसटी वैट को रिवाइज करो। जो जादू की छड़ी है उसे 2 बार पढ़ना है, बाकी सबको 1 बार। सर हमारा तो 1 बार भी कोर्स नहीं पूरा होता, वो गलत थिंकिंग है ना। चैप्टर को टाइम बेस्ड रखो, मुझे 1 घंटे में पढ़ना है, खत्म करना है, कैसे भी करो। और आखिरी दिन हम सुपर पावर पे होते हैं, हमने जो जो चीज देखी भी होती है ना, सिर्फ देखी होती है, वो भी अगले दिन एग्जाम में कर आते हैं और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं आखिरी दिन। नहीं, पेपर अटेम्प्ट करने का ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि पहले थ्योरी करो पेपर या पहले प्रैक्टिकल करो पेपर। पहली बात, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है वैसे करो। मैं वैसे ऐसा मानता हूं कि जनरली ये कोई रूल नहीं है इसका, बट मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जितने पेपर देखे हैं अभी तक, कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो मैं मानता हूं पेपर उल्टा करो। और बहुत से टीचर कहते हैं रिजिड वाइज ऑर्डर वाइज पेपर करो, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो गया कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, बट जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स वहीं करो। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, मानो उसमें 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट इकट्ठे होने चाहिए। ये नहीं कि 4 का ए अलग, 4 फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर 4 का बी, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन एक जगह। पेपर को बहुत ज्यादा पहले पढ़ना नहीं चाहिए, उससे डर लगता है। हम हॉरर मूवी को पहले क्या कभी फॉरवर्ड करके एंड देख लेते फिर वापस आते हैं? चलने दो बेटा, जब आएगा भूत आएगा, जिस ऑर्डर में आएगा आएगा, देखी जाएगी। तो जब टफ क्वेश्चन मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है जी। आप तो बेटे जन्नत में पेपर दे रहे हो, 1 दिन की छुट्टी, 1 क्वेश्चन चॉइस। उन लोगों से पूछो जिन्होंने बिना छुट्टी के बिना चॉइस वाले पेपरों में पास हुए। तो आप उस जब पढ़ाई होती थी ना, बच्चा पढ़ता था, पूरे दिन इंटरनेट पे थोड़ा लगा रहता था। बोलिए, यहां तक की बातचीत समझ आई? ये तो उस ड्यूरेशन में। और एक बात बताओ, जिंदगी का 1-1 मिनट कीमती है। मैं ये भी नहीं कहता कि फन मत करो, मस्ती मत करो, मस्ती करो, पर जिनका एग्जाम 1 महीने बाद है, अभी ये सही समय नहीं है मस्ती का। एग्जाम देने की बात करना, एग्जाम से रिजल्ट आने से पहले पहले तक। और अगर अभी और रिजल्ट आने के बाद भी, और अगर अभी कर ली तो फिर ना एग्जाम देने के बाद चैन आएगा, और रिजल्ट के बाद तो आपको पता ही है फिर, ठीक है जी। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? खाना पीना सिंपल रखे एग्जाम की ड्यूरेशन में, ज्यादा बाहर का ना खाएं, हमें पता है कि बाहर का खाने से तबीयत खराब हो जाती है। एग्जाम देने के बाद खाना बेटा, एग्जाम के डेज में लाइट फूड खाना चाहिए, लेस ऑयल जितना हद तक हो सके, क्योंकि ऑयल से नींद आती है। जितनी हद तक हो सके ऑयल कंजम्पशन कम रखो। दिन में मिल्क और जूस की कंजम्पशन मिनिमम 1 लीटर रखो, मिलाकर या अलग अलग भी अगर आप चाहो तो। जितना फाइबर और जितनी डाइट में जितने लिक्विड्स लोगे उतनी बॉडी अजाइल रहेगी, एक्टिव रहेगी, उतना पढ़ाई हो पाएगी, उतना माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है जी। और लास्ट 1 महीने में प्रोग्राम्स देखने बंद करो वो आंटियों वाले। अगर देखना भी है टीवी तो गाने वाने देख लिया करो यार, हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी देखते हो, गाने सुन लिया करो, वो अच्छे। एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व यू, प्रोग्राम विल इन्वॉल्व यू, मूवी विल इन्वॉल्व यू फॉर गुड आवर्स, ऐसे मत करो। गाना सुनो 5-10 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, माइंड रिलैक्स हो जाए, फिर पढ़ने बैठ जाओ, समझे जी। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी के माइंड में? अच्छा, आप उसके बाद अच्छा, मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स और भी करनी है। चलिए पहले बेटा, आज बैठे रहिए जरा, आज के लिए इतना ही बेटे।